हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर के यूट्यूब पर स्वागत है। यानी अतिवर्षा से प्रभावित फसलों का केंद्रीय दल द्वारा दोबारा सर्वे हो रहा है, जानते हैं पूरी खबर। 17 अक्टूबर 2019 का अपडेट है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का सर्वे कर रहा है केंद्रीय दल। नरसिंहपुर जिले में सर्वे चल रहा है। अतिवृष्टि से प्रभावित हुई फसलों का अवलोकन करने आए केंद्रीय सर्वेक्षण दल के सदस्यों ने बीते दिवस जिले की विभिन्न तहसीलों के कई ग्रामों का भ्रमण कर खरीफ फसलों की स्थिति देखी। सर्वेक्षण दल के सदस्यों के साथ जिला कलेक्टर सहित संबंधित SDM, तहसीलदार, कृषि व उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। दल द्वारा खेत मुआयना कर अत्यधिक वर्षा से नष्ट हुई फसलों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि मक्का के भुट्टों में जहां दाने कम आए, वहीं सोयाबीन की फलियां कम विकसित हुई है और उनमें से किसी में या तो बहुत बारीक दाना है या फिर दाना ही नहीं है, तो इस प्रकार से फसलें खराब हुई हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण फल फूल भी नहीं लग पाए। नरसिंहपुर के भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल ने कहा, सर्वेक्षण दल के अधिकारियों से मुलाकात कर अतिवृष्टि से जिले में फसलों को नुकसान से अवगत कराया। इस संबंध में उन्होंने एक पत्र भी सर्वेक्षण दल को सौंपा, जिसमें लिखा है कि जिले में अतिवृष्टि से उड़द, मूंग, सोयाबीन, अरहर व सब्जियों की फसल को इतना नुकसान पहुंचा है, अनेक फसलों में फूल फल भी नहीं लग पाए। इस स्थिति में गन्ना की फसल भी नहीं बढ़ पाई। सुअर और सियारों ने भी गन्ना को नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने मांग की कि जिले में फसलों का सर्वेक्षण निष्पक्षता व ईमानदारी के साथ करके पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाया जाए, नियमानुसार किया जाए सर्वेक्षण। सर्किट हाउस में सर्वेक्षण दल ने विधायक जालम सिंह को बताया कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार ने जिले में 46 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। दूसरे सर्वे के बाद पुनः केंद्र द्वारा राशि की जाएगी। इस पर विधायक ने दल के सदस्यों से कहा कि जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों को गुमराह करते हुए यह राशि किसानों को नहीं दी है। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार ने पहला जो सर्वे हुआ था उसके दौरान जिले को 46 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने यह राशि किसानों तक नहीं पहुंचाई। इस प्रकार से विधायक जी और केंद्रीय दलों ने जिला प्रशासन को कहा है कि जल्द से जल्द प्रथम सर्वे की राशि किसानों को दी जाए, अन्यथा जिला प्रशासन के विरुद्ध किसान आक्रोशित हो जाएंगे। वहीं पर बीना में भी हुआ इस प्रकार से सर्वे। केंद्रीय दल के निरीक्षण कार्यक्रम की सूचना गाँव में मुनादी कराकर किसानों को दी गई, और वहीं पर किसानों के साथ पटवारी, कोटवार सब खड़े रहे। तहसील ने छोटे और बड़े किसानों के लिए अलग अलग डिमांड तैयार की है। तहसील से जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें सीमांत किसानों के लिए 10,23,80,000 तथा अन्य किसानों के लिए 10,66,05,600 रुपये मांगे हैं। कुल 20,89,85,600 रुपये की डिमांड भेजी है। सभी गाँवों का किया है दौरा। साहब जल्द दिलवाए मुआवजा, हमारी फसल बहुत खराब हुई है। सागर जिले से खबर है। 16 अक्टूबर 2019 को जिले में हुई अतिवृष्टि से नुकसान का जायजा लेने के लिए भारत सरकार द्वारा भेजे गए केंद्रीय दल मंगलवार को दूसरे दिन भी जिले का दौरा कर फसलों का हुए नुकसान की जानकारी ली। एक दिन पहले सागढ़ में निरीक्षण करने के बाद केंद्रीय दल खुरई और बीना के आधा दर्जन गाँव में पहुंचा। सोयाबीन के बीज की गुणवत्ता से लेकर खेतों में खराब फसलों का जायजा लिया। इस दौरान किसानों ने अपने नुकसान की जानकारी देते हुए आगामी बोवनी के लिए खाद, बीज से लेकर नुकसान का जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की। केंद्रीय दल के सदस्यों, कलेक्टर प्रीति मैथिल एवं SDM शशि मिश्रा सहित अधिकारियों की टीम ने सबसे पहले बीना के ग्रामों में पहुंचकर नुकसान देखा। केंद्रीय दल ने खेतों में पहुंचकर खराब फसलें देखी। इस प्रकार से पूरा केंद्रीय दल खेतों में जा करके मुआवजा कर रहा है ताकि किसानों की फसलों का सही सर्वे हो सके और उनको राहत राशि मिल सके। केंद्रीय दल से किसान बोले, साहब हमारी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई है, दूसरे फसल के लिए एक भी रुपया नहीं है। तो इस प्रकार से केंद्रीय दलों से किसानों ने चर्चा की। इस भ्रमण के दौरान इस सर्वे दल ने सेमरखेड़ी, किरोली, बड़ोली, गदुली आदि गांवों के खेतों के भ्रमण किया और खेतों में जाकर देखा। इन खेतों की काली मिट्टी को देखकर साथ में चल रहे कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि आप किसानों से कहें कि अतिशीघ्र बोनी करें, क्योंकि रात के समय मौसम में सर्दी आ गई है और बारिश भी अधिक हुई है। उन्होंने बताया कि भ्रमण के दौरान सभी जाँच दल 16 अक्टूबर को भोपाल में पहुँचकर राज्य शासन के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने किसानों से कहा कि जमीन में उपलब्ध नमी का उपयोग करने हेतु बुआई के लिए पलेवा न कर रबी फसल हेतु सीधे बुआई करें, इससे समय एवं लागत में कमी आएगी तथा पैदावार बढ़ेगी। दिल्ली से आए इस सर्वे दल ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया तो इन्होंने पाया कि सोयाबीन के पौधों में फलियां ही नहीं लगी है। खेत
इस तरह खड़े हैं कि जैसे इनकी कटाई हो गई है। इसको देखकर दिल्ली से आए इस दल का नेतृत्व कर रहे अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर पैसों की मांग की है, जिसके चलते केंद्रीय सर्वे दल जनप्रतिनिधियों से फीडबैक ले रहे हैं, साथ ही किसानों से चर्चा कर रहे हैं और 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में सभी टीमें भोपाल में एकत्रित हो जाएगी। उसके बाद मुख्य सचिव से बात होगी, वह उसके बाद चर्चा करके केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे। कलेक्टर ने किया 1,70,000 किसानों का आकलन। इस प्रकार से 16 अक्टूबर तक प्रदेश के जिन जिन जिलों में केंद्रीय दलों ने दोबारा सर्वे किया है, वे फिर भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलेंगे और वहां पूरे अधिकारियों से चर्चा करेंगे। उसके बाद पूरा आकलन करके रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा और फिर जो राशि आवंटित की जाएगी वह राशि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को भेज दी जाएगी और राज्य सरकार फिर किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करेगा। वहीं पर अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को फसल नुकसानी की राशि का शीघ्र अतिशीघ्र वितरण किया जाना है। सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक राहत राशि वितरण की संपूर्ण कार्रवाई तत्काल पूर्ण कर लें। निर्धारित प्रपत्रों की पूर्ति भी जल्दी से जल्दी कर ली जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री संजय कुमार ने शुक्रवार को राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की बैठक लेकर दिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन किसानों द्वारा दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं उनके प्रकरणों में रणनीति तैयार कर समस्त कार्रवाई पूर्ण करते हुए नियमानुसार राहत राशि का वितरण तीव्रता से करें। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में SDM आगर श्री महेंद्र सिंह कौचे, SDM सुसनेर श्री मनीष जैन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री संजय कुमार ने कहा कि अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत राशि बैंक खाते में जमा होगी। जिन किसानों द्वारा PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दस्तावेज जमा नहीं कराए गए हैं, वे दस्तावेज हैं आधार कार्ड, समग्र ID, बैंक पासबुक की छाया प्रति, उन्हें राहत राशि वितरण नहीं की जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, जल्दी से जल्दी पटवारी के थ्रू यह दस्तावेज जमा करा लें। किसानों द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराने पर उनके पृथक से प्रकरण तैयार कर राहत राशि वितरित की जाएगी। उन्होंने बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि जिन बीमित किसानों द्वारा बीमा दावा फार्म जमा कर दिए गए हैं उनका फसल कटाई का प्रयोग कर सर्वे कार्य पूर्ण करें। इस प्रकार से जानकारी है अतिवर्षा से प्रभावित हुए फसलों के नुकसान को लेकर, उसके बारे में आज हमने वीडियो में जाना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।